अच्छा भाई, एक ही नमाज में तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद की नियत करना। तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद। टोबा टेक सिंह से उमर फारूक पूछते हैं, अगर हम मस्जिद में जाकर वुजू करें और साथ ही तहियतुल वुजू की दो रकतें पढ़ें तो क्या इसी नमाज में तहियतुल मस्जिद की नियत भी कर सकते हैं? जी हाँ मेरे भाई, नवाफिल में तदाखुल जायज़ है। तदाखुल का मतलब एक नफिल में दूसरे नफिल की नियत। तो जो तहियतुल मस्जिद है ना या तहियतुल वुजू, उसका फ़लसफ़ा शरीयत में ये है कि आपने जब वुजू किया है तो उस वुजू को से कोई किसी काम में ले आएँ, क्योंकि वुजू असल नमाज के लिए, तो इसलिए आज़ा जब गीले हैं तो आप उससे काम में ले आएँ, यानी उससे नमाज़ पढ़ लें। और तहियतुल मस्जिद का फ़लसफ़ा ये कि जब अल्लाह के घर में आप हाज़िर हुए हैं तो पहले अल्लाह की इबादत हो, नमाज़ हो, उसके बाद दूसरे कामों में मशगूल हों आप। तो अगर आप मस्जिद में भी अभी दाखिल हुए, वुज़ू भी अभी किया, तो दोनों नियतें की जा सकती हैं एक ही नमाज में। वो मस्जिद का अदब भी हो जाएगा और वुज़ू का एहतराम भी हो जाएगा। बल्कि उलमा ने यहाँ तक बयान किया है कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिद में, मस्जिद में दाखिल होते ही आपने फ़र्ज़ नमाज़ शुरू कर दी, तो इस फ़र्ज़ नमाज़ में भी तहियतुल वुज़ू की भी नियत की जा सकती है, तहियतुल मस्जिद की भी। क्योंकि तहियतुल मस्जिद का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह के घर में जब आप हाज़िर हुए हैं तो इबादत से, ये नमाज जैसी इबादत से अपने कामों का आगाज़ करें। किसी काम करने से पहले, बैठने से पहले आप यानी कोई इबादत, नमाज जैसी इबादत करें। तो फ़र्ज़ नमाज भी तो बहरहाल नमाज ही है ना, तो उस फ़र्ज़ में भी नियत की जा सकती है, तहियतुल मस्जिद की भी और तहियतुल वुज़ू की भी। इशराक में भी नियत की जा सकती है, चाश में भी नियत की जा सकती है। लेकिन अगर आपने तहियतुल मस्जिद की नियत नहीं की और आप बैठ गए और गपशप में मशगूल हो गए, तो टाइम तो ख़त्म नहीं होता तहियतुल मस्जिद का, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा जो मस्जिद में दाखिल होते ही तहियतुल मस्जिद का सवाब मिलता है। तो एक ही नमाज में तहियतुल मस्जिद की भी नियत की जा सकती है, तहियतुल वुज़ू की भी नियत की जा सकती है, उसी में फ़र्ज़ नमाज की भी नियत की जा सकती है, उसी में इशराक की भी, अवाबीन की भी, इन तमाम चीज़ों की नियत की जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फ़र्ज़ नमाज में आप नफिल की भी नियत कर लें, इशराक की भी नियत कर लें और चाश की भी, ना ना ना, ये सिर्फ तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू के साथ खास है।